जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में अब किसानों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई है। सरकार को धान बेचने के लिए 60,000 नए किसानों ने अपना ब्यौरा लिखाया है। 49,000 हेक्टेयर अतिरिक्त धान खरीदी होने वाली है। छत्तीसगढ़ में धान की सरकारी खरीदी 1 नवंबर से शुरू होने जा रही है। इस बीच किसानों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। इस साल तकरीबन 24,62,000 से अधिक किसानों ने धान बेचने के लिए अपना ब्यौरा पंजीकृत कराया है। यह पिछले साल की तुलना में 60,878 अधिक है, यानी इस साल समर्थन मूल्य पर धान बेचने वालों के लिए 60,000 से अधिक नए किसान जुड़ गए हैं। खाद्य विभाग के सचिव टोपेश्वर वर्मा के मुताबिक 24,05,000 किसानों ने पिछले साल पंजीयन कराया था और उनका पंजीयन इस साल कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया है। उसके बाद 60,878 किसानों का नवीन पंजीयन हुआ है। इस तरह अब तक 24,62,000 किसानों का पंजीयन किया जा चुका है। पंजीयन की यह प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक चलनी है और बताया गया कि नए पंजीयन के साथ साथ सरकार के पास अभी तक 30,44,000 हेक्टेयर रकबे के धान का ब्यौरा पंजीकृत हो चुका है। इसमें 30,25,000 हेक्टेयर रकबा पिछले सीजन का कैरी फॉरवर्ड हुआ है। आदिवासी आरक्षण पर छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस जारी हुआ है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। एसएलपी आवेदन पर सुनवाई के बाद उच्चतम न्यायालय ने जवाब तलब किया है। 4 सप्ताह बाद एक बार फिर से सुनवाई होने वाली है। उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासी आरक्षण वाले मुद्दे पर छत्तीसगढ़ सरकार और गुरु घासीदास साहित्य एवं संस्कृति अकेडमी को नोटिस जारी किया है। जस्टिस बीआर गवई और बीवी नगर रत्न की पीठ ने योगेश ठाकुर और प्रकाश ठाकुर की याचिका आवेदन की सुनवाई के बाद यह नोटिस जारी किया है। सरकार को इसका जवाब देने के लिए 4 सप्ताह तक का समय दिया गया है। उसके बाद अदालत मामले में एक बार फिर से सुनवाई करेगी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 19 सितंबर को एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया था और ऐसा करते हुए अदालत ने आरक्षण अधिनियम को खत्म कर लिया था। इसके बाद से आदिवासी समाज में आंदोलन शुरू हो गए। सरकार ने उच्चतम न्यायालय में अपील करने की बात कही है। हालांकि अभी तक सरकार अपील का आधार ही तय नहीं कर पाई है। इधर आदिवासी कार्यकर्ता और विधिक सलाहकार बीके मनीष, प्रकाश ठाकुर, विद्या सिद्धार्थ, छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति, शासकीय सेवक विकास संघ और योगेश कुमार ठाकुर ने विशेष अनुमति याचिका के लिए आवेदन दिया है। इस बार त्योहार का मजा फीका हो सकता है क्योंकि मौसम विभाग ने हल्की बारिश के साथ गरज चमक की संभावना व्यक्त करी है। दरअसल प्रदेश में मॉनसून की विदाई के साथ ही बारिश का दौर भी जारी है। छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में मॉनसून की विदाई हो चुकी है और कई हिस्सों में अभी भी मॉनसून की विदाई होनी बाकी है। ऐसे में बात करें तो बीते दिन भी हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हुई और इसके साथ ही कुछ स्थानों पर वज्रपात की भी संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों में प्रदेश के कुछ और भाग से मॉनसून की विदाई की संभावना है। फिलहाल प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से पर्याप्त मात्रा में नमी आ रही है जिसके चलते 1-2 स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम वर्षा होने के साथ साथ गरज चमक होने की भी संभावना है। बारिश की वजह से आम जनता के त्योहार मनाने का मजा भी किरकिरा हो सकता है क्योंकि मौसम विभाग ने 23 और 24 अक्टूबर को भी बारिश की संभावना व्यक्त करी है। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में लगातार बारिश की वजह से जनता काफी परेशान है, तो वही अब दिवाली का त्योहार भी फीका पड़ता नजर आ रहा है। चिप्स के ऑफिस भी अब ईडी पहुंच चुकी है। आईएएस रानू साहू के मायके में छापा पड़ा था और भिलाई में असिस्टेंट कमिश्नर ट्राइबल के घर भी अब दबिश दी गई है ईडी की। दरअसल छत्तीसगढ़ में मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध वसूली पर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। रायगढ़ की कलेक्टर रानू साहू के मायके में ईडी के अधिकारियों ने मंगलवार तड़के दबिश दी। सुबह 5 बजे पहुंचे अधिकारियों ने गरियाबंद के पांडुका में साहू के माता पिता और परिवार के कुछ घरों में जांच की। इसके साथ ही दोपहर को भिलाई में ट्राइबल विभाग की असिस्टेंट कमिश्नर के घर पर भी छापा मारा गया। शाम होते होते अधिकारियों की एक टीम रायपुर में छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसाइटी यानी कि चिप्स के दफ्तर पहुंच गई और इसके सीईओ पहले से ही गिरफ्तार हैं। इसके अलावा ईडी के 12 अधिकारियों की एक टीम ने सुबह 5 बजे पांडुका में गरियाबंद की जिला पंचायत सदस्य लक्ष्मी साहू और कांग्रेस नेता शैलेंद्र साहू का दरवाजा खटखटाया। पहले तो परिवार वालों ने टीम को अंदर नहीं आने दिया, लेकिन कुछ देर बाद टीम घर के अंदर चली गई और उसके बाद टीम वहां जांच कर रही है। लक्ष्मी साहू कलेक्टर रानू साहू की मां हैं, वहीं शैलेंद्र साहू उनके चचेरे भाई हैं।
एक ओर आदिवासी आरक्षण को लेकर लगातार आंदोलन किया जा रहा है, तो वहीं अब सर्व जो पिछड़ा वर्ग समाज है इन्होंने अपनी हुंकार भर दी है। बड़ी रैली निकाल करके 26% आरक्षण की मांग करी जा रही है पिछड़ा वर्ग समाज के द्वारा। दरअसल छत्तीसगढ़ में सर्व पिछड़ा वर्ग समाज के लोगों ने मुख्यालय में अधिकार रैली का आयोजन किया, जहां पर रैली में भारी जनसैलाब भी देखने को मिला। जिला मुख्यालय में पहली बार भारी संख्या में पिछड़ा वर्ग समुदाय के लोग इकट्ठा होकर अपनी मांगों को लेकर मुखर हुए हैं। सर्व पिछड़ा वर्ग समुदाय ने 600 मांगों को लेकर रैली निकाल करके प्रदर्शन किया। मिली जानकारी के अनुसार प्रदर्शन के बीच बात करें तो यहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग जाम रहा। जिला मुख्यालय कांकेर में बस्तर संभाग के अलावा बालोद, धमतरी, मानपुर, मोहला से लेकर हजारों पिछड़ा वर्ग समुदाय के लोग इकट्ठा हुए। वहीं कांकेर नरहरदेव देव मैदान से लेकर कलेक्टर कार्यालय तक विशाल रैली निकाली गई। इस बीच पिछड़ा वर्ग समुदाय का जनसैलाब जिला मुख्यालय में उमड़ पड़ा, जहां गली मोहल्ले में खचाखच भीड़ भरी थी। अंदाजा लगाया जा रहा है कि तकरीबन 20,000 की भीड़ मौजूद थी। सर्व पिछड़ा वर्ग समुदाय की मांग है कि राज्य पिछड़ा वर्ग लगभग 52% आबादी के आधार पर 26% आरक्षण दिया जाए। छत्तीसगढ़ भाजपा का मिशन 2023 अभी से देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश प्रभारी समेत 13 जिलों के अध्यक्ष बदल दिए गए हैं। अब अगला नंबर किसका होगा ये अभी कहा नहीं जा सकता। दरअसल छत्तीसगढ़ में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी पिछले 3 महीनों से लगातार बदलाव भी कर रही है और इस बदलाव की आंधी से सब सूबे के जो प्रदेश प्रभारी से लेकर के जिला के अध्यक्ष हैं तक के नाम यहाँ पर शामिल हो गए हैं। सबसे पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, फिर नेता प्रतिपक्ष और फिर बीजेपी प्रदेश प्रभारी बदल दिए गए हैं। चुनाव से पहले आने वाले 10 से 11 महीनों में अभी कौन कौन से चेहरे बदल दिए जाएंगे ये आने वाला वक्त तय करेगा। दरअसल बीती देर रात सूबे की राजधानी रायपुर के बीजेपी दफ्तर से 13 जिला अध्यक्षों के बदले जाने का फरमान जारी हुआ। इसके पहले 9 अगस्त को प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष को बदलने का आदेश जारी हुआ था। विष्णुदेव साय की जगह अरुण साव को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। इसके बाद 17 अगस्त को नेता प्रतिपक्ष को बदलने का आदेश जारी हुआ। धर्मलाल कौशिक की जगह पर नारायण चंदेल को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई और एक बार फिर से तकरीबन 1 महीने के अंदर ही डी पुरेंद्रेश्वरी, जो कि प्रदेश प्रभारी थी भाजपा की, इनको हटाकर ओम माथुर को छत्तीसगढ़ का नया भाजपा प्रदेश प्रभारी अब बना दिया गया है। इसके अलावा बात करें तो यहां पर छत्तीसगढ़ के कई जिलों में जिलों के अध्यक्ष बदले जाने को लेकर भी पिछले कई दिनों से कवायद चल रही थी। आखिरकार प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने 13 जिलों के अध्यक्षों के बदलाव पर मुहर लगा दी है। साथ ही राजधानी रायपुर के अलावा भिलाई, राजनांदगांव, नारायणपुर, मोहला, मानपुर, खैरागढ़, छुईकरान, गंडई, कोरिया, जसपुर, सारंगढ़ से लेकर सुकमा, शक्ति, जांजगीर चांपा के जिला अध्यक्षों को भी बदल दिया गया है। रायगढ़ में छात्रों के बीच पहुंचे एक्टर अक्षय कुमार। खिलाड़ी कुमार ने स्टूडेंट्स से पूछा सफलता का राज, बोले माँ बाप के पैर छूकर से घर से निकला करो। दरअसल बात करें तो बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार पिछले कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ के रायगढ़ शहर में शूटिंग कर रहे थे और अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग के बीच अक्षय बच्चों से भी मिले। रायगढ़ के जिंदल स्कूल के स्टूडेंट्स के खास बातचीत का कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जहाँ पर बच्चों ने अपने सवाल अक्षय कुमार से पूछे। इस दौरान कुछ दिल छू लेने वाली बातें भी कार्यक्रम में हुई। एक स्टूडेंट्स ने अक्षय कुमार से पूछा कि आपकी सफलता का राज क्या है, तो अक्षय कुमार ने इसका जवाब देते हुए कहा कि स्कूल के टाइम से ही एक आदत को फॉलो करता हूं, मैं जब भी घर से निकला अपने माँ बाप के पैर छूकर निकलता रहा हूं। यह सुनते ही सभी स्टूडेंट्स ने तालियां बजाना शुरू कर दिया। अक्षय कुमार ने कहा कि यह बहुत असर करता है, इससे आप अपने काम में सफल हो पाते हैं। बिना माँ बाप के आशीर्वाद के हम सफल नहीं हो सकते, इसीलिए उनका आदर करना बहुत जरूरी है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर नए विधेयक की बात करके अब सरकार अटकती नजर आ रही है। कैबिनेट में अफसरों ने कहा कि केवल जनगणना के सहारे गए तो ओबीसी आरक्षण फंस जाएगा। दरअसल छत्तीसगढ़ में आरक्षण को बहाल करने के लिए नया कानून बनाने की राह आसान होती नहीं दिख रही है। मुख्यमंत्री बघेल की अध्यक्षता में बीते दिन राज्य कैबिनेट की बैठक में आरक्षण पर नया कानून लाने की संभावनाओं पर चर्चा की गई। अफसरों की सलाह थी कि केवल 2011 के जनगणना के आंकड़ों के सहारे कानून बनाया गया तो अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 5% से अधिक नहीं हो पाएगा। बताया जा रहा है कि आरक्षण पर चर्चा का प्रस्ताव कैबिनेट में मिनट्स में शामिल नहीं था, लेकिन सबसे गंभीर समस्या के तौर पर इस पर बातचीत हुई। आदिवासी समाज से संबद्ध कुछ मंत्रियों का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में मामला
लंबा चल सकता है। इसकी वजह से समाज का हित प्रभावित होगा, नौकरी और शिक्षा में युवाओं को दिक्कत होगी, इससे लोगों में नाराजगी भी बढ़ सकती है। ऐसे में अध्यादेश के जरिए या विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर एक विधेयक पारित कर 32% आरक्षण की व्यवस्था को बहाल कर दिया जाए। वहीं इस कानून को संविधान की नवी अनुसूची में शामिल करा लिया जाए ताकि न्यायालय की समीक्षा से यह विषय भी बाहर हो जाए। अधिकारियों का कहना था कि इसको राष्ट्रपति के पास विशेष मंजूरी के लिए भेजते समय आधार बताना होगा। अभी अपने पास अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के आंकड़े हैं और ये 2011 की जनगणना में आए हैं और इसके सहारे अनुसूचित जनजाति को 32%, अनुसूचित जाति को 13% आरक्षण दिया जा सकता है, यह मिलाकर 45% हो जाएगा। और अब अन्य पिछड़ा वर्ग को सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए केवल 5% का आरक्षण बचेगा तो ये एक नया संकट खड़ा कर देगा। और ऐसे में अच्छा होगा कि अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के गरीबों का पूरा आंकड़ा आने के बाद ही तथ्यों और तर्कों के आधार पर इसको आगे बढ़ाया जाए। यानी कि अब बात करें तो जो नया आरक्षण को लेकर के विधेयक है ये अब इस पर बात अटकता नजर आ रहा है। बिलासपुर में 11 नवंबर को बीजेपी का प्रदर्शन होगा। बिलासपुर में महतारी हुंकार रैली के बहाने शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी भाजपा की नजर आ रही है जिसमें लाख महिलाएं शामिल होने वाली हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सरकार के खिलाफ करने के लिए बीजेपी बड़े प्रदर्शन की तैयारी में है। बीजेपी महिला मोर्चा के बैनर तले 3 नवंबर को प्रस्तावित इस प्रदर्शन को महतारी हुंकार रैली के नाम से जाना जाएगा। दीपावली त्योहार के चलते भाजपा ने इस आयोजन को टाल दिया है और अब इसे 11 नवंबर को करने का फैसला लिया गया है। इसमें 1,00,000 महिलाओं की भीड़ जुटाने का दावा किया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश के दिग्गज भाजपा नेता रणनीति बनाने में जुट गए हैं। मंगलवार को राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और प्रदेश प्रभारी अजय जामवाल भी इस प्रदर्शन की तैयारी के लिए जायजा लेने पहुंचे। यहां वे संगठन के पदाधिकारियों की बैठक भी लेंगे। इसके अलावा बात करें तो भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ में 2023 में होने वाले उपचुनाव को लेकर के विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां करनी शुरू कर दी है। और अब बात छत्तीसगढ़ से चलने वाली 22 ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। गाड़ियों की बिगड़ी चाल को सुधारने की कवायद की जा रही है और अब 25 अक्टूबर से बदले समय पर ट्रेनें पहुंचने वाली हैं। बिलासपुर रेलवे स्टेशन से 22 ट्रेनें अब 25 अक्टूबर से बदले हुए समय पर पहुंचेंगी। रेलवे ने इन गाड़ियों के टाइम टेबल में आंशिक फेरबदल किया है। दरअसल ट्रेनों की लेट लतीफी की समस्या को दूर करने के उद्देश्य से रेलवे की कवायद चल रही है और अफसरों ने दावा किया है कि नए टाइम टेबल में नए बदलाव की वजह से समय की बचत होगी और गाड़ियां समय पर चलेंगी, इससे यात्रियों को राहत मिलेगी। ऐसे में बात करें तो आज जो है त्योहारों का सीजन है और आज जो खास करके जो लोग हैं जो बाहरी राज्य है या फिर बाहरी कमाने खाने जो लोग आते हैं वो खास करके इस टाइम टेबल को ध्यान रखें क्योंकि उनको घर जाना जरूरी होता है और इसका एकमात्र साधन ट्रेन ही होता है जो लंबी दूरी को सफर करने के लिए होता है। तो आप जब भी ट्रेनों से सफर करें तो समय सारणी को जरूर चेक कर लें। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।